نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहबा कराम के साथ यानी सफ़र में थे, तशरीफ़ फरमा थे, एक जगह पर पड़ाव फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। साहबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमन भी साथ थे। तो जब आप कहीं तशरीफ़ ले गए तो आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद साहबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमन चंद एक जगह पे गए तो वहाँ चिड़िया नज़र आई और चिड़िया अकेली भी नहीं थी, उसके साथ दो बच्चे भी थे। तो साहबा कराम ने दोनों बच्चे उठा लिए, चिड़िया उनके सरों पर उड़ने और फिर फड़फड़ाने लगी, जिस तरह परेशान है, लड़ने मरने पर तुली हुई है कि उसके बच्चे जा रहे हैं, उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंच जाए, उसके बच्चे गायब ना हो जाएं, उसके बच्चे किसी की इसमें ना चले जाएँ, या इनको ज़बह ना कर दिया जाए, या इनको मार ना दिया जाए, या बच्चों को भूखा ना मारे, वगैरह कुछ भी हो। तो परेशान होकर ऊपर उड़ने लगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और ये देखा मंजर कि चिड़िया यूं समझे बिलबिला रही है, रो रही है और ऐसी ही है जैसे दरख्वास्त कर रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि इसके बच्चों की वजह से किसने तकलीफ़ पहुँचाई, इसके बच्चे वापस कर दीजिए। आप अंदाज़ा कीजिए, हम उस नबी की उम्मत हैं जो एक चिड़िया की तकलीफ़ को बर्दाश्त ना कर सके, उसके बच्चों की तकलीफ़ को बर्दाश्त ना कर सके। आज उम्मत मसल की तौर पर गर्दने काटने पर तुली हुई है और एक दूसरे की कलमा पढ़ने वाले पार्टी के बुनियाद पर मारने मरने पर तुली हुई है, सिर्फ वोट और पार्टी के चक्कर में। इसी तरह ग्रुप, इसी तरह कौमियत, इसी तरह ज़ात, इसी तरह इलाके, इसी तरह खित, इसी तरह शहरों पर एक दूसरे से नफ़रत और कीना बुग्ज पर आ चुकी है। उस नबी की उम्मत है जो जानवर को, जो चरिंद परिंद की तकलीफ़ को बर्दाश्त ना कर सके, उसकी उम्मत एक दूसरे के गर्दने मार कर और कलमा पढ़ने के पढ़कर और हरम में हाज़िरी हज उम्रे के लिए भी तैयार है। कैसे दुआएं कबूल होंगी, कैसे बरकत मिलेगी, कैसे इनकी आहें फर्श से अर्श पर जाएंगी, कैसे फरिश्ते इनकी दुआओं पर आमीन कहेंगे, और कैसे अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, और कैसे इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान और मार्फत और कुर्ब मिले, और कैसे शफात के मुस्तहक बनेंगे। जो नबी जानवर की तकलीफ़ को बर्दाश्त ना कर सके, चिड़िया की तकलीफ़ को बर्दाश्त ना कर सके, उसकी उम्मत मुसलमान कलमा गो एक दूसरे को तकलीफ़ें देते हैं, मरने पर तुले हुए नफ़रत पर आमादे हैं, कीना बहुत इनकी फैक्ट्री और मार्केट बन चुकी है, वो कलमा पढ़ने वाली उम्मत इनकी दुआएं ऊपर नहीं जाएं, तो समझ लीजिए कि आप टोटली नाफरमान हो चुके हैं। हम टोटली खिलाफ वर्जी पर उतरे हैं, हम टोटली मुजरिम हैं, और मुजरिम रियायत के मुस्तहक नहीं होते। वहाँ एक कौम है, एक गुनाह है, अल्लाह बंदर बना देते हैं, और हम सारे गुनाहों में मुलव्वस हैं, फिर भी नबी के नाम ले हुए हैं, तो कैसे हमें शर्म आनी चाहिए। हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि ये नफ़रत कहाँ जा रही है, ये गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी, बहतान एक दूसरे के खिलाफ कौन कर रहा है, ये मोदी और बुश नहीं कर रहा, ये शैतान और जिन्नात नहीं कर रहे, ये कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ने वाले कर रहे हैं। गीबत करते हैं तो मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ने वाले, गालम गलोच करते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, इल्ज़ाम तराशी करते तो यही हैं, जो कि काफिर नहीं है, ये हिंदू नहीं है, बुद्ध मत नहीं है, ईसाई नहीं है, ये यहूदी नहीं है, ये मुसलमान हैं। क्या मुसलमानों का यही काम रह गया? मैं इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, खुदा के लिए लगाम दे दीजिए ज़बानों को, बंद कर दीजिए ये फैक्ट्री चलती हुई, ये गुनाहों वाली, नाफरमानी वाली। मुझे उम्मीद है मेरे भाई, मेरे बहनें मेरे इस पैगाम पर, इस थोड़ी सी दरख्वास्त पर ख़ुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे, ख़ुद भी सुनेंगे, इस इल्तिजा को दूसरों को भी सुनाएंगे। अल्लाह हर मेरे भाई मेरे बहन को 100% फरमा बदारी की तौफीक अता फरमाए, 100% नाफरमानी से महफूज फरमाए।